हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज एक ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसका अभी प्रॉफिट की बात करें, जैसे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के बताया था जब करीबन ये 16 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था, और आज के दिन की बात करें लगभग आपको पता है 3.5% का अपर सर्किट देखने को मिल जाता है, और आने वाले स्टॉक में कैसा टारगेट रह सकता है, आने वाले फ्यूचर में कैसा स्टॉक रह सकता है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो दोस्तों करीबन इसकी बात करें तो अभी करंट प्राइस की तो लगभग 18.5 रुपये के नीचे देखने को मिल जाता है, और करीबन बात करें उस टाइम की जैसे 6 मंथ पहले मैंने सजेस्ट किया था कि दोस्तों इसे बाय कर लो, आपके पास ही बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। तो करीबन 6 मंथ की बात करें तो लगभग आपको पता है 33 से 34% रिटर्न स्टॉक दे चुका। अगर इंडिया के अंदर 5G अभी बड़ी बड़ी सिटियों में काम वर्किंग वगैरह हो रहा है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, अगर हो गया ना तो ये स्टॉक का कभी आंकड़े का ना तो आपने सोचा होगा ना मैंने सोचा होगा, ठीक है। तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये आंकड़ा वहाँ तक दिखा सकता है। तो स्टॉक अच्छा है दोस्तों, ज़्यादा नहीं 20-30% अमाउंट लगा के भी चलते हो तो आपकी पूरी लाइफ चेंज करने वाला स्टॉक है, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न की तो बात मत पूछो, ठीक है। और लॉस तो आपको होने वाला नहीं है, आपका कैपिटल अमाउंट रहेगा वो इसके अंदर सेफ देखने को मिलेगा। और बाकी अभी 5 दिन की भी बात करें तो लगभग एक टाइम में छोटा सा मोमेंटम मिला था गिरावट के अंदर, ठीक है। तो करीबन स्टॉक में 85% जो गिरावट हुई, जो 5% के आसपास देखने को जाती है, और उसके बाद में 6 मंथ की भी बात करें, जैसे मंथली की सॉरी, तो मंथली के में अंदर हमें रिटर्न देता है जो स्टॉक में मतलब लगभग 15% की औसत मान के चलते हैं। जैसे 6 मंथ की बात करें तो 37-38% निकाल के दिया है, और साल भर की बात करें तो लगभग 40% स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया है, और 5 साल की बात करें तो स्टॉक अभी भी 56-57% के आसपास लॉस में देखने को जाता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑल टाइम की बात करें तो स्टॉक लगभग 222 रुपये गिरावट के अंदर देखने को मिल जाता है, और क्या अभी स्टॉक आपको पता है कभी 400-300 रुपये के आसपास भी हुआ करता था, वहाँ से इसके अंदर लगातार गिरावट हुई, जो एक चार्ट पैटर्न है जो एक डाउन की ओर जाता हुआ देखने को मिला, और उसके बाद में 2018 और 20 के बीच में तो स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं इतना बड़ा देखने को नहीं मिला, और स्टार्टिंग जब 22 के अंदर एंड 21 के अंदर और स्टार्टिंग 22 के अंदर इसके अंदर एक मोमेंटम देखने को मिलता है, जो करीबन आप चार्ट पैटर्न से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि स्टॉक में अभी एक उठाव की ओर पड़ाव देखने को मिल जाता है। और अभी इसकी कहीं भी बात कर ले, मंथली की बात करें तो चार्ट पैटर्न हमें ऊपर की ओर जाता हुआ देख रहे हैं। जे एक मंथ की बात करें तो स्टॉक एक टाइम तो 23 रुपये पहुँच गया था, ठीक है। तो कुछ टाइम मार्केट क्रैश हुआ तो क्या हुआ कि पब्लिक लोग डर गए, ठीक है। डर के मारे कुछ लोगों ने सेलिंग प्रेशर भी ज़्यादा देखने को मिल गया था, और ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बड़ा है, देखो दोस्तों रिलायंस पावर का स्टॉक है तो आपको पता है आपकी लाइफ चेंज करने वाला स्टॉक है। अब जैसे हम बात करें, ठीक है, तो साल भर के अंदर एक हाई भी गया था जो लगभग 25 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है, और लो की तो बात पूछो मत, जो करीबन 11 रुपये के आसपास लो भी देखने को मिलता है। और फाइनेंस रिजल्ट की बात करें तो जून 2022 के अंदर इसके अंदर एड कर दिया गया, यहाँ तक है दोस्तों जून 22 2000 के। अब रेवेन्यू है जो भी 2.5% के आसपास ग्रोथ में देखने को मिल जाता है। नेट इनकम की बात करें तो लगभग 700% के आसपास गिरावट में है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर 650-650% गिरावट में देखने को मिल जाता है। ऑपरेटर की इनकम भी है वो भी अभी 13.5% के आसपास लॉस में देखने को मिल जाती है। अब बात आती है कॉस्ट रेवेन्यू की, कॉस्ट रेवेन्यू है जो अभी लगभग 11.5% के आसपास प्लस पॉइंट देखने को जाता है, और स्टॉक की आवरियो की बात मैंने बता दी है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए लेके चलते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और इसका नेक्स्ट टारगेट 25 बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको। अगर आप लोग 6 मंथ के अंदर होल्ड करते हो तो इसमें आराम से 25 रुपये जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी देखो दोस्तों आपकी मर्जी है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।